एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। साथ ही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि डे में और नाइट में अगर आप समर में कहीं जा रहे हो तो ऐसा मेकअप आप कैसे कर सकते हो। जी हाँ, बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट मैंने यूज किया, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये मेकअप लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है, साथ साथ स्वेट प्रूफ है। कैसे है? ये देखो, बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना, राइट? सो विदाउट दी फर्दर डिले, लेट्स जंप टू द वीडियो। तो सबसे पहला स्टेप रहता है मेरा, इस तरह से हेयर बैंड बना लो और सारे बाल को अच्छे से सिक्योर कर लो, बिकॉज गर्म बहुत लगती है। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज करूंगी टोनर, जो कि है वैदिक का टोनर। अब मैं ये वाले टोनर क्यों यूज कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ये सामने मिला था और टोनर में मैं ऐसा कुछ भी स्पेशल यूज नहीं करती हूँ। बस इस तरह से मैं स्प्रे कर देती हूँ पूरे फेस में और इसको डैप डैप करके इस तरह से एब्जॉर्ब करती हूँ ताकि जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए। तब तक के लिए मैं क्या करती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ जब तक ये सूख जाता है टोनर। जैसे कि सबसे अच्छी बात है हाइड्रेटिंग करना खुद को, उसके लिए क्या करना है, पानी, या मैं इस तरह से बॉटल लेके बैठती हूँ। मैं पानी काफी ज्यादा पीती हूँ स्किन को अच्छे रखने के, तो इस तरह से मैं पी रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप पर प्रोडक्ट मैं यहाँ पर यूज करती हूँ मामा अर्थ की विटामिन सी डेली ग्लो फेस सीरम, ओके, विद विटामिन सी एंड टर्मरिक है, साथ साथ 50x विटामिन सी इसमें मिलती है। जी हाँ गाइस, तो बस इसको इस तरह से मैं ओपन कर लेती हूँ और मैं इसे पहले हाथ में लेती हूँ इस तरह से, 1 and 2, टू पंप एनफ है। और अगर आप इसके टेक्सचर देखोगे तो ये बहुत ही रनी टेक्सचर है और एकदम ट्रांसपेरेंट कलर है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं है। ये लगाने से सबसे खास बात है इसमें हमें मिल जाती है 50x विटामिन सी, साथ साथ ये हमारी स्किन को ग्लो बनाती है, इनर ग्लो, जी हाँ, और हमारी स्किन को रेडियंट बनाती है, सॉफ्ट एंड सफर भी बनाती है। सीरम लगा लेने के बाद आपको हमेशा उसे 1 से 2 मिनट तक छोड़ना पड़ेगा ताकि वो ड्राई हो जाए और आपकी स्किन में जितने भी एब्जॉर्ब करना है वो इजिली एब्जॉर्ब कर ले। जी हाँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉइस्चराइजर, जो कि हमारा सीरम को लॉक करेगा। और मॉइस्चराइजर समर में ऐसा मॉइस्चराइजर आप चूज करो जो मैट रहे, जी हाँ, ऑयली मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी ना यूज करो, और जो लाइट वेट रहे। तो लाइट वेट और मैट की बात मैं अगर करूँ तो इससे बेहतर मुझे मॉइस्चराइजर कोई अभी समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ आता है तो आप कमेंट में जरूर बताना। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ डॉट एंड के वाटर मिलन रेंज का ये लाइट वेट मॉइस्चराइजर। इसकी पैकेजिंग अगर आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा क्यूट है, जी हाँ, और आप देख सकते हो मैंने इसे कितना खत्म कर रखा है। सो ये काफी ज्यादा लाइट वेट है और इसकी टेक्सचर अगर आप देखोगे तो एकदम लाइट पिंक कलर की है और साथ साथ मैट फिनिशिंग देता है और अगेन ये हमारे स्किन को ग्लो भी प्रोवाइड करता है। तो बस जरा सा ही मैं लेती हूँ इस तरह सा और अपने पूरे स्किन में लगा लेती हूँ। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है गाइस, ट्रस्ट मी, आप इसे एक बार अगर यूज करोगे तो आप डेफिनेटली कमेंट में आके मुझे थैंक्स जरूर बोलोगे। और अगर इसकी मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो फ्रेग्रेंस तो एकदम वाटर मिलन या फिर पिंक गुआवा अगर कहो तो वैसे आती है। जी अगर आपको डॉट एन की प्रोडक्ट्स लेना है तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ कूपन कोड, अगर आप इसे यूज करोगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो मैंने स्किन केयर कर लिया, राइट, बट समथिंग इज मिसिंग, क्या है वो, है सनस्क्रीन। तो अगर मैं दिन पे कहीं निकलती हूँ तो सनस्क्रीन मस्ट है गाइस, घर पे भी रहती हूँ तब भी लगाती हूँ, और अगर नाइट पार्टी में या नाइट आउटिंग कहीं कर रही हूँ तो मैं सनस्क्रीन को अवॉइड करती हूँ। बाकी ये स्टेप मैं जरूर फॉलो करती हूँ जब भी कोई मेकअप करती हूँ, बिकॉज मेकअप करने से पहले स्किन केयर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा सनस्क्रीन को लास्ट में ही यूज करती हूँ। आप कैसे यूज करती हो, तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ डॉट एन की विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन विद एसपीएफ 50 एंड PA++। ये UVA एंड UV प्रोटेक्शन देता है, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन देता है। इसमें ट्रिपल विटामिन सी की फॉर्मुलेशन हमें मिलती है, साथ साथ ये नो व्हाइट कास्ट के साथ आती है। जी हाँ, अभी ये वायरल सनस्क्रीन है यार, अगर आपको ये लेना है तो डेफिनेटली ये कूपन को यूज जरूर करना, एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो आप देखो इसको इस तरह से आपको पहले ले लेना है अपने हाथों में। सी इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, ना ही बहुत ज्यादा रनी है ना ही बहुत ज्यादा ठीक है, व्हाइट कलर की है, राइट, बट अगर मैं इसको लगाऊंगी अपने फेस में आप देख सकते हो, मैं लाइव दिखाऊंगी, ये बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा। चलो मैं हाफ में इस तरह से लगा कर दिखा देती हूँ आपको ताकि आप भी समझ सको डिफरेंस। सी एकदम तुरंत ही एब्जॉर्ब किया और कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ा, राइट। तो इस तरह से मैं अपने पूरे फेस में अच्छे से लगा लेती हूँ इस तरह सा सनस्क्रीन, और नेक को अवॉइड नहीं करती हूँ, साथ साथ सेम सनस्क्रीन को मैं अपने फीट में और अपने हैंड्स में भी लगा कर जाती हूँ कहीं। एंड ये सनस्क्रीन मेरा अभी थर्ड बॉटल है, जी हाँ, जब से समर आई है, बिकॉज मैं सनस्क्रीन अभी कंटिन्यूसली यूज कर रही हूँ डॉट एंड की का। ये कोई भी वीडियो प्रमोशन वीडियो नहीं है, जो भी वीडियोज में मैं आज दिखा रही हूँ जो कि मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। जी हाँ,
सो अगेन कूपन कोड जरूर यूज करें। फाइनली डे टाइम के लिए मेरा स्किन ब्रेक हो चुका है, तो चलो अब थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हैं। समर में मैं मेकअप उतना ज्यादा नहीं करती हूँ, बट थोड़ा जरूर करती हूँ। और मैं ऐसा प्रोडक्ट चूज करती हूँ समर में जो लेयरिंग ज्यादा ना करे। तो यहाँ पर मैं आज यूज करने वाली हूँ स्यूज ब्यूटी का प्राइमर प्लस मूज फाउंडेशन। जी हाँ, ये कुछ इस तरह का है। इसमें प्राइमर भी मिल जाती है और फाउंडेशन भी मिलती है, और ये वेटलेस है और स्मूथ एंड वेलवेटी टच देता है। जी हाँ, मैं इसे भी बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ, तो मैं इस तरह से आज मैं डायरेक्ट ले लूंगी अपने फेस में लाइक दिस। बस थोड़ा सा लेना है। इसकी कवरेज काफी अच्छी है गाइस, और काफी लाइट वेट है और बहुत ही स्मूथ बना देता है हमारी स्किन को। सो अगर आप टिंटेड प्राइमर अगर कभी यूज किए हो तो इसी तरह इसका टेक्सचर देता है बिल्कुल। और आप देख सकते हो कवरेज काफी अच्छी है इसका। तो बस मैं इस तरह से इसे हैंड से ही ब्लेंड करती हूँ। अभी मैं कोई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज कर रही हूँ। ठीक, डन, मैंने लगा लिया है। ये प्राइमर का भी खूबी दिया मुझे और फाउंडेशन का भी टच दिया, साथ साथ बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल हेवी नहीं लगता हमारी स्किन पे। नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे कॉम्पैक्ट। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ पर्पल का बी योर ओन BBF, राइट? हाँ राइट। और इसमें है SPF, आप देख सकते हो इस तरह से SPF के साथ आती। सो प्रोडक्ट भी ऐसा चूज करो समर में जो SPF के साथ है। तो बहुत ही लाइट हैंड से सबसे पहले मैं अपनी आईज में लगाऊंगी ताकि कोई भी क्रीज ना हो, देन आई लिड्स में मैं लगाती हूँ। आप कैसा स्टेप फॉलो करते हो? मैं तो हमेशा से यही स्टेप फॉलो करती हूँ। देन अब पूरे फेस में लगाऊंगी ताकि जो भी मैंने ये मूज फाउंडेशन लगाया ये अच्छे से सेट हो जाए हमारे स्किन पे। तो इस तरह से जस्ट लिटिल बिट टचअप दे रही हूँ मैं, बिकॉज मुझे उतना ज़्यादा गोरा नहीं दिखना है, फिर वो पसीने के कारण निकल जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, राइट? तो इस तरह से मैंने लगा लिया है। तो आज मैंने पहले कॉम्पैक्ट लगाया है, अब कॉम्पैक्ट के बाद मैं क्या करने वाली हूँ वो बताती हूँ। पर मैं यूज करूंगी लिप एंड चीक टिंट, ये 7 सिंस का है। अभी रिसेंटली मैंने इस ब्रांड का बहुत सारी वीडियोज बनाए अपने इंस्टाग्राम पे, इंस्टा में फॉलो जरूर कर लेना। जी हाँ, तो इस तरह से, और ये शेड है पिंक, हिपी पिंक, इस तरह से बैक साइड में लिखा हुआ है। तो इसको मैं यूज कर रही हूँ। हमेशा मैं लिप एंड चीक टिंट लगाती हूँ कॉम्पैक्ट से पहले, बट मैं समर में कॉम्पैक्ट लगाकर तब लगाती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ इसे मैंने क्यों किया। तो बस इस तरह से मैं लिटिल बिट लगा लूंगी लिप एंड चीक टिंट। नोज में भी अभी मैं लगाती हूँ, पहले नहीं लगाती थी बट अब मैं लगाती हूँ। तो इस तरह सा अब इसे ब्लेंड 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 करना है। अगेन कोई भी प्रोडक्ट मैं आज यूज नहीं कर रही हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर बोलो या फिर ब्रश बोलो, तो मैं इस तरह से अपने हाथों से ही इसे ब्लेंड करूंगी। देखो आप, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो रहा है। अभी ये डार्क लग रहा है, मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ना तो ये बहुत ही अच्छा प्यारा कलर देगा। देख रहे हो गाइस कितना अच्छा ये ग्लो कर रहा है, मेरा फेस बहुत ही प्रिटी लग रहा है कलर, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सामने आ गई हूँ, इस तरह से मैंने लगाया है। एंड आजकल मैं नोज में बहुत अच्छे से लगाती हूँ, चीन में भी, पहले मैं बिल्कुल नहीं लगाती थी। सो इस तरह से मैंने लगा लिया ये लिप एंड चीक टिंट। लिप एंड चीक टिंट लगाने के बाद मैं इसे छोड़ दूंगी, अभी बिल्कुल भी इसमें टच नहीं करूंगी। तब तक मैं अपने आईब्रोज को फिल करती हूँ, और आईब्रोज को फिल करने के लिए आज मैंने लिया है ये कलर बार का ब्रो वी फाइबर मस्कारा, इस तरह सा है आप देख सकते हो। तो ये ब्रो मस्कारा है, इन शॉर्ट आप कह सकते हो। तो अब देखो मैंने इसे ओपन किया, लुक ये कुछ इस तरह सा है। तो बस जितने भी एक्सेस है इस तरह सा निकाल लो, मैं तो निकाल लेती हूँ इस तरह सा, और बस अपने आईब्रोज को इस तरह सा ग्रूम कर लो अच्छे से, रफली हैंड से मैं करती हूँ, बिकॉज मैं उतना ज़्यादा हेवी मेकअप आज नहीं चाहती हूँ। और मोस्टली मैं जब दिन में बाहर निकलती हूँ मैं इतना हेवी नहीं करना चाहती हूँ। दैट्स इट, इसी तरह से मैंने अपने ब्रोज को फिल कर लिया। अब इसे जल्दी से बंद कर लो बिकॉज ये बहुत ही स्पीड में सूख जाता है जितनी भी ब्रोज है। एंड उसके बाद अगर आप मेरे आईज देखोगे तो मेरे आईज में लिटिल बिट काजल है। जी हाँ, बिकॉज मैं इसे पहले कुछ शूट करी थी तो उसमें मुझे ये काजल की रिक्वायरमेंट लगी थी, तो काजल है, इस तरह से मैं अवॉइड कर रही हूँ। वरना हम लोग लगाते आज शुगर का काजल, इस तरह से आप देख सकते हो। तो शुगर का काजल से ही मैंने ये वाला ड्रॉ किया था एक वीडियोज में, तो आज मैंने इसे अवॉइड किया है। अब नेक्स्ट डे पे हमारा मस्कारा, मस्कारा में मैं यूज़ करूंगी मेबेलिन का टोटल टेम्पटेशनल मस्कारा, ये वाटरप्रूफ मस्कारा है। तो अगेन इसकी भी एक्सेस इस तरह से निकाल लो, एंड डायरेक्टली मैं इस तरह से अपनी आईज में लगाती हूँ। देख रही हो गाइस आप, जैसे मैंने इसे टच किया दोनों आईज में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है। जिसे फॉल्स लेस वगैरह पसंद नहीं है लगाना आप डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हो, इस तरह से आप लगा सकते हो मस्कारा। एंड या
डन, बस थोड़ा सा ही मैं लगाऊंगी, उतना ही मैं नहीं चाहती हूँ। लिपस्टिक के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, ये कुछ इस तरह का, और इसकी शेड नंबर है वूडी रोज। शेड बहुत ही प्यारा है, देखो मैं अपने बैक ऑफ द हैंड में दिखाती हूँ, कितना प्रिटी शेड है। तो इसे मैं लिपस्टिक लगा लूंगी। लिपस्टिक डन, अब मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ जो कि है फेसेस कनाडा का। जी हाँ, इस तरह से मैं इसे ओपन कर लूँगी, अब देख लो पहले, तब मैं इसे लगा लेती हूँ। और इसको इस तरह से शेप करना है, बस लगा लेने के बाद मैं इसे थोड़ा सा इस तरह सा फैन से ड्राई कर लूँगी, जो भी मेरा फैन है, और साथ साथ हाथ का भी मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ ताकि मेरे जितने भी मेकअप है वो जगह पे फिक्स हो जाए, और जिसको निकलना है डिफ्यूज़ होना है वो डिफ्यूज़ हो जाए। सर ऑलरेडी ड्राई हो चुका है, बहुत लोगों का कहना है कि फिक्सर लगा लेने के बाद उनके स्किन की जो मेकअप है वो निकल जाती है, मेल्ट हो जाती है, या कलर जो लगाते हैं हम लोग फाउंडेशन उससे वो एक शेड कम हो जाती है लुक। तो आप देख सकते हो मेरा हैंड, और अब मैं इसे लाइव दिखाती हूँ, देखो बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ऊपर भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सो हर चीज़ का टेक्निक होता है यूज़ करने का। जी हाँ, अगर आप सही टेक्निक यूज़ करोगे तो आपकी मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी। सो यहाँ पर मैं रेडी हो गई, चलो हेयर को क्विकली बन कर लेते हैं। हेयर गाइस, यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, मैं इस तरह से पूरे बाल को बन बना लेती हूँ, और एक्स्ट्रा बाल जो इस तरह से बचता है वो उसको मैं इस तरह से सामने लेकर आपको दिखा रही हूँ। साथ में मैंने यहाँ पर वेयर किया क्यूट सा हेयर बैंड ताकि मेरे हेयर जो भी है वो फोर हेड भी ना आए और उसे मैं इरिटेट ना हूँ। मैं बन इसलिए बना लेती हूँ और एक्स्ट्रा बाल को इस तरह निकाल लेती हूँ बिकॉज अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी बाहर तो मैं ये वाले बन को इस तरह से रैप करूँगी तो ये मेरे बड़ा वाला बन बन जाएगा। जी हाँ, तो अभी इसलिए मैंने इसे इस तरह से सामने रखा है, एंड अच्छा लग रहा है ना ये लुक। तो आप भी समर में इस तरह से मेकअप कर सकते हो। तो ये है मेरा समर का डेली स्किन केयर रूटीन, साथ में जब मैं बाहर निकलती हूँ समर में तो इस तरह से मैं रेडी होकर निकलती हूँ। और जब भी आप समर में बाहर जाओ तो इस तरह से बहुत ही लाइट कलर की आप और लाइट वेट वाली कपड़ा को ही वेयर करना, लाइक मैंने व्हाइट कलर की पहनी है और यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी बहुत ब्लैक प्रिंट की है, तो इससे गर्म आपको कम लगेंगी। तो यार गाइस, आई होप यू विल रियली एंजॉय दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइस, लव यू ऑल एंड अल्लाह हाफिज, कीप सपोर्टिंग मी। एंड जाते जाते इस वीडियो को बिग लाइक एंड नीचे कमेंट कर ही जाना। बाय।